समय से पहले बुढ़ापा आना, प्री मैच्योर एजिंग, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ काफी लोग आते हैं कि जिनको 35-40 के उम्र में ही उनको सेक्स का प्रॉब्लम आता है, बोलते इच्छा नहीं होती है या लैंगिक कमजोरी आती है, और उसके साथ साथ उनको वैसे भी बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा जल्दी बाल झड़ जाना, गंजापन आना, बाल जल्दी सफ़ेद होना, फिर झरियाँ गिरना, आँखों के अराउंड कालापन आना, या फिर चमड़ी के ऊपर, स्किन के, चेहरे के ऊपर झरियाँ आना, या बाकी भी स्किन के ऊपर झरियाँ आ जाना, जॉइंट पेन, पीठ में दर्द, कमर में दर्द होना, फिर जल्दी कैटरैक्ट होना, आँखों का जो मतलब प्रॉब्लम आता है कैटरैक्ट का, सफ़ेदपना जो आता है अपने लेंस में, कैटरैक्ट बोलते हैं उसको, तो वो आ जाना, या फिर बाकी और ब्लड प्रेशर जल्दी आ जाना, मतलब जल्दी हाइपरटेंशन होना, तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि जिसमें उनको सेक्स से लेके बदन तक और मानसिक, जैसे जल्दी डिप्रेशन आना, कुछ उत्साह नहीं रहना, जल्दी थक जाना, थकान, और सब टेस्ट करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलना, सब नॉर्मल टेस्ट आती है और तभी भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि मेरे में कुछ तो भी कमी है, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, एनर्जेटिक नहीं हूँ, और ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ हो गया, अभी क्या पढ़ा है ज़िंदगी में, ऐसा उनको डिप्रेशन भी आता है। अब इसके कारण क्या है? एक तो है जेनेटिक, मतलब अनुवंशिकता है, जीन्स में कारण है। दूसरा है कि जीवन शैली आपकी, यदि आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत तनावपूर्ण है, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। और खान पान, यदि आपका खान पान जो है ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा खाते पीते हो और लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, शुगर की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उससे भी होता है। तो देखो, जींस में हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम हमारी जीवन शैली बदल सकते हैं। जैसा स्ट्रेस कम आने चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इसके लिए फिर रेगुलर एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, जॉब ऐसा करना है कि जो जॉब करने में आपको मजा आएगा वो जॉब एक्सेप्ट करना है, या फिर जो जॉब करना कर्म प्राप्त है उसमें इंटरेस्ट पैदा करना, तो ये कर सकते हैं। वैसे कुछ हॉबीज डेवलप करना, तो जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, बीच बीच में रेगुलरली जॉब से ब्रेक लेना, ब्रेक्स, रेगुलर ब्रेक्स लेना, फैमिली के साथ में टाइम बिताना, और दूसरा है मेनली खाना पीना। यदि खाने पीने में आपके बहुत ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उससे बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है। जितना कम आप कार्बोहाइड्रेट्स और जितना कम फैट्स आप लेंगे उतना अच्छा है। जंक फूड, पिज़्ज़ा, ब्रेड आइटम्स, एनिमल फूड जिसमें पनीर, चीज़ और दूध से बनी हुई सभी चीज़ें, मिठाइयाँ, शुगर, ये सब जल्दी बुढ़ापा करने में मदद करती है। तो खान पान में जंक फूड डाल देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप नेचुरल फूड लेंगे, जैसे सलाद बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और प्रोटीन्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसमें बहुत आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये खान पान में चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइज, 40 मिनट से एक घंटा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हॉबी डेवलप करना, रेगुलर ब्रेक लेना, रिलैक्सेशन करना और मजे करना, लाइफ में एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करना। जब ज़्यादा बहुत फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, उनको होता है जल्दी बुढ़ापा, और जो भी होगा वो होगा यार, क्या प्रॉब्लम है, बहुत चिंता करके फ़ायदा भी नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क, वो भी जल्दी थक जाते हैं। तो और फिर जो लोग 58 साल तक काम करते हैं, 25 साल में लग गए नौकरी पे, 58 साल में रिटायर हो रहे हैं, 60 साल में रिटायर हो रहे, पेंशन लेते हैं, घर पे बैठते हैं और उनको बीमारियां चालू हो जाती है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। तो पहले से उन्होंने यदि प्लान कर लिया ड्यूरिंग सर्विस कि हमको रिटायर होना है, 58 साल 60 साल में रिटायर होने का है, उसके बाद में क्या करना है, कुछ तो भी नई चीज़ डेवलप करना है, उस हॉबीज़ डेवलप करनी है, तो उसमें फ़ायदा होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन यदि आप करते हैं लोगों के जीवन में फ़र्क, मेकिंग अ डिफरेंस, दान धर्म करना, कॉन्ट्रीब्यूशन करना, लोगों के जीवन में फ़र्क करना, भले पैसे का दान धर्म नहीं है, टाइम दे सकते हैं आप लोगों को, लोगों के जीवन में फ़र्क ला सकते हैं, तो उससे भी अपनी लाइफ, अपनी उम्र बढ़ जाती है। एक कोई तो भी समाज का हिस्सा होना, कोई सामाजिक संस्था है उसका हिस्सा होना, कोई ग्रुप से उसका हिस्सा होना, तो हम यदि करते हैं तो हमको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जब आता है तो जीवन जीने में बहुत मज़ा आता है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अकेले अकेले पहले से जो लोग रहते हैं, अकेले रहना, अकेले काम करना, अपने आप को लॉक करके बैठ जाना, बस काम से काम करो, बाकी किसी से मिलना जुलना नहीं, उनको जल्दी बुढ़ापा आता है। तो ये अभी यदि आप ये करते हैं कि भाई फिजिकल मतलब बॉडीली ख्याल अच्छा देना, खान पान, नींद, एक्सरसाइज,
विधि आप देखते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य आप आपका रखते हैं बाय मेडिटेशन और बाय स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो आपको जल्दी बुढ़ापा आएगा नहीं। जैसा हम बोलते शतायुष्य भव, 100 साल जियो, जुग जुग जियो, तो वैसे ही आप 100 साल तक जी सकेंगे। अल्टीमेटली हमको जो भी पाना है, जो भी चाहिए, वो तो थ्रू हमारे बॉडी से ही मिलता है। और यदि बॉडी को हम जल्दी बूढ़ा कर देंगे तो हमको जो चाहिए होगा ऐसी चीज़ मिलेगी। तो बॉडी के हम ट्रस्टी है, उसकी केयर लेना है और विश्वस्त है बॉडी के, तो उसमें फिर जल्दी बुढ़ापा आएगा नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो। लोग चाहते कि बहुत साल जीना, मगर कैसे बहुत साल जीना, उनसे कुछ ना कुछ यहाँ से लीड मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।